तो गाइस इंस्टाग्राम पर देख रहा हूँ, दो तीन दिन से एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है और जो भी बंदा अपलोड कर रहा है उसका अच्छा खासा लाइक भी मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो का जो नाम है दोस्तों, ये ट्वीट वाला वीडियो है। और ये वीडियो आप कैसे एडिट करोगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वीडियो यहाँ पर देख लो, इसी तरह का वीडियो एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो यहाँ पे आपने वीडियो देख लिया, तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को कैसे एडिट करना है मैं आपको इस वीडियो में फुल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। एडिट करके एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जो ट्रेंड पे चलता है वीडियो। इस ट्रेंड पर वीडियो आप बनाकर अपलोड करो, आपका 100% वीडियो वायरल होगा। और आज भी कह रहा हूँ दोस्तों, जो भी ट्रेंड पे चलता है इंस्टाग्राम पे वीडियो, ये वीडियो आप तुरंत बना लो और आपका इंस्टाग्राम में जो रील्स है आपका 100% वायरल होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त साहिल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल फॉर यू में। बिना रुके चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी तक मेरा इंस्टाग्राम आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर अपडेट देता रहता हूँ कौन सा वीडियो आने वाला है और नया नया ट्रिक इंस्टाग्राम पर आता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या करना है, साहिल फॉर यू 504, यहीं पर आपको ये मेरा नाम है, तो यहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना है। तो गाइस, इसी तरह का आप वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 एप्लीकेशन की जरूरत होगा। तो प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊँगा कौन सा 3 एप्लीकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगा, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसी तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ से आपको ध्यान से देखना है आपको क्या क्या यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो फोटो का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको फोटो एक सिलेक्ट करके यहाँ पे लेना है। मान लीजिए मैं ये फोटो लेता हूँ और यहाँ पे मैं साइज से यहाँ पे आप बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट पे कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये फोटो लगा लिया और यहाँ पे जो नाम दिख रहे हो, नाम पे आपको जो आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आपको नाम जो भी है यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साहिल फॉर यू और यहाँ पे मैं साहिल खान, यहाँ पे देख सकते हो यूजर नेम साहिल खान मैंने लिख दिया और यहाँ पे नाम का जो यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे आपको साहिल फॉर यू मैंने लिख दिया। तो आप एडिट करना चाहते हो तो आपका जो इंस्टाग्राम नेम है आप यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे आपको, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दे एक ऑप्शन दिख रहे हो, 4 यहाँ पे टाइम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लिखना है आपका जो भी आप लिखना चाहते हो। और यहाँ पे मैं एक यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ ऐसे ही लिख कर, हे, यहाँ पे देख सकते हो है। तो सबसे पहले है लिख कर यहाँ पे आपको सेव ट्वीट पे क्लिक कर देना है और फिर से आपको है पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपको बैक में जाना है और फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद अभी आपको लिखना है, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हे यू हे यू, यहाँ पे मैंने फिर से आपको सेव ट्वीट पे कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे सेव कर लिया और फिर से मैंने बैक में चला गया और फिर से मैं सेम प्रोसेस से यहाँ पे सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर द रीज़न, आर ई ए रीज़न फॉर For the smile on my face। यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा और फिर से मैंने यहाँ पे सेव टू पे कर लिया। तो यहाँ पे करने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो दो नंबर एप्लीकेशन है, इस दो नंबर एप्लीकेशन को ओपन करना है। दो नंबर एप्लीकेशन आपका जो काइनमास्टर है दोस्तों, यहाँ पे काइनमास्टर ओपन कर लेना है और काइनमास्टर मैंने ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो प्लस आइकन का दिख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैं 916 यहाँ पे 916 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डीएम में जाने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो सेव, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लेना है।
तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो एक यूज़ फ़ोटो लिया। तो फ़ोटो लेने के बाद इस फ़ोटो को मैं यहाँ पे 9 सेकेंड कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने 3 सेव किया तो 3 में 3 फ़ोटो मैंने यहाँ पे सेव किया, तो 3 फ़ोटो 3 सेकेंड में रखूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 9 सेकेंड कर रहा हूँ। तो 9 सेकेंड करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोटो में यहाँ पे नीचे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा हो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसी तरह का अपने साइज से यहाँ पे मैंने दिख रहे हो यहाँ पे अपने साइज से यहाँ पे बैठा लेना है। और बैठाने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आएगा, इमेज पे जाना है। और जाने के बाद अपने जो 3 यहाँ पे सेव किया था फ़ोटो इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं एक फ़ोटो यहाँ पे लेता हूँ। और लेने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रॉप पे जाता हूँ, और फालतू जो चीज़ है इस फालतू चीज़ को मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फालतू चीज़ मैंने डिलीट कर लिया, और अभी मैं इसको 3 सेकेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप भी 3 सेकेंड कर लेना, यहाँ पे 3 सेकेंड कर लिया। और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है नीचे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग में क्लिक कर देना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज को अपने साइज से बैठा लेना है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करना है, मैं थोड़ा ऊपर बैठा दिया। तो आप भी इसी तरह का कर लीजिए। तो ये हो गया, अभी 2 नंबर पिक लेता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं सेम प्रोसेस इमेज में गया, और यहाँ पे देख सकते हो जो है यू, यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे मैंने इमेज, तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे मैं क्रॉपिंग कर लेता हूँ। क्रॉपिंग करने के बाद फालतू जो चीज़ है यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फिर से मैंने डिलीट कर दिया। अभी फिर से मैं यहाँ पे एंडिंग में जाता हूँ, एंड ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन दिख रहे हो इस ब्लेंडिंग में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी फिर से मैं ये आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बैठा लेना है, और ये भी आपको 3 सेकेंड कर लेना है। अब 3 सेकेंड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये भी 3 सेकेंड कर लिया। अभी जो लास्ट वाला पिक है ये भी सेम प्रोसेस है, इमेज में जाता हो, जाने के बाद यहाँ पे ट्विटर में आता हो, आने के बाद यहाँ पे अभी जो मैंने लिखा था, यहाँ पे जो लिखने के बाद क्रॉप में जाता हूँ, जाने के बाद फालतू चीज़ जो है ये मैं फिर से डिलीट कर लेता हूँ। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं इमेज में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ब्लेंडिंग है फिर से आपको यहाँ पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई पे फिर से आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ राइट चेन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको क्या करना है, इसको भी आपको थोड़ा बड़ा करना है यहाँ पे, तो बड़ा करने के बाद यहाँ पे हो गया। तो अभी जो दिख रहे हो यहाँ पे हो गया। तो अभी यहाँ पे जो इमेज, यहाँ पे आपको केसी का एक ऑप्शन दिख रहा है, केसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन यहाँ पे डिलीट कर देना है। और यहाँ पे देख, सबसे पहले फ़ोटो में आपको जाना है, जाने के बाद एनिमेशन पे आपको जाना है, जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको एक यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे स्केल अप, तो आपको स्केल अप पे आपको क्ले यहाँ पे कर देना है। और करने के बाद आपको 2 नंबर यहाँ पे फिर से आपको 2 नंबर जो पिक लिया था ये भी आपको कर लेना है। यहाँ पे इन एनिमेशन पे जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे आपको स्केल अप पे फिर से आपको कर लेना है। और 3 नंबर जो इमेज लिया था यहाँ पे आपको इन एनिमेशन में जाने के बाद, इन एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ पे स्केल अप एक ऑप्शन आएगा, स्केल अप पे कर लेना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है। तो इसी तरह आप भी कर लेना है। कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। इसको सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर में देख रहे हो एक ऑप्शन, यहाँ पे आपको कर देना है। करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, 1080p में कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सपोर्टिंग। तो देख सकते हो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो रहा है, तो उसको सेव हो गया। अभी आपको जो 3 नंबर जो ऐप है इसके लिए आपको सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में VN ऐप को डाउनलोड करना है, और VN ऐप में आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है। तो VN ऐप को आपको यहां पे ओपन करने के बाद देख सकते हो इसी तरह का कंटेंट खुल के आ जाएगा, और यहां पे प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी जो आपने यहां पे वीडियो यहां पे जो देख सकते हो यहां पे एक्सपोर्टिंग किया, इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, और यहां पे राइट पे क्लिक कर देना है, और यहां पे प्रोसेसिंग हो रहा है।
तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एंडिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जो फालतू चीज़ है, इस फालतू चीज़ को आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिलीट कर लेना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या करना है। जो यहाँ पे आपको 3 स्टेप से आपको यहाँ से जो वीडियो है आपने यहाँ पे 3 स्टेप कर लेना है। तो 3 स्टेप करने के लिए सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हो हे के बाद क्या आएगा, हे यू। तो यहाँ पे आपको आने के आगे आपको यहाँ पे स्प्लिट पे कर लेना है। एक नंबर हो गया, तो अभी फिर से मैं यहाँ पे हे यू बाद में आता है, यहाँ पे देख सकते हो ये भी मैं कर लेता हूँ, स्प्लिट पे कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे कर लिया। करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 स्टेप में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा फ्लैश। यहाँ पे फ्लैश पे आपको क्या करना है, फ्लैश को यहाँ पे देख सकते हो 0.60 सेकेंड का दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 सेकेंड कर लेना है और जो यहाँ पे सबसे आगे में ले जाना है। तो यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको 2nd स्टेप में जाना है। जाने के बाद फिर से आपको सेम प्रोसेस से यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे फ्लैश का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से यही प्रोसेस से आपको यहाँ पे 1 सेकेंड कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हो मैंने कर लिया। तो 2 नंबर जो ये भी आपको क्या करना है, इफेक्ट्स पे जाना है और जाने के बाद 3 नंबर जो स्टेप यहाँ पे फ्लैश का मिल जाएगा और यहाँ पे 30 सेकेंड है, यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, हे यू यू आर द रीजन फॉर द स्माइल ऑन माई फेस। यहाँ पे देख सकते हो कितना खूबसूरत, यहाँ पे आपको इतना काम आपको कर लेना है। करने के बाद आपका काम हो गया। अभी आपको यहाँ पे जो म्यूजिक का एट है, म्यूजिक यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो अभी आपका गैलरी में जो भी म्यूजिक है, आप जो भी म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, आपका मनपसंद का जो भी म्यूजिक है दोस्तों, यहाँ पे आपको म्यूजिक ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिला है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा ऊपर में। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट में जाना है और जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोर्टिंग हो रहा है। एक्सपोर्टिंग होने के बाद यहाँ पे सेव टू एल्बम एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना है। और अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया। तो इतने ही करने के बाद मैं आपको फिर से कहता हूँ, इसी तरह का आप जो ट्रेंड पे चलता है वीडियो, आप इंस्टाग्राम पर रील्स पे आप अपलोड करोगे तो आपका जो रील्स है आपका 100% वायरल होगा। तो मैंने क्या क्या यहाँ पे ऐप यूज़ किया और जो भी यहाँ पे मैंने फ़ोटो यूज़ किया, सब यहाँ पे आपको मेरे वीडियो के नीचे जाना है। यहाँ पे जो वीडियो के नीचे टाइटल दिख रहे हो, इस टाइटल पे आपको क्लिक कर देना है। टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे दे दूंगा, तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।